नमक के बगैर खाने की कल्पना की नहीं जा सकती, खाना हो जाता है बेस्वाद। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नमक के ज्यादा सेवन से कई बीमारियां हो सकती हैं, बीपी और हार्ट अटैक से जुड़ी जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। दरअसल दिन भर में हमें 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, जो मानक कहते हैं, लेकिन हम रोजाना भारतीय जो हैं वो 8 ग्राम नमक ले रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ज्यादा नमक के सेवन से क्या क्या खतरे हैं, खाने में ऊपर से नमक लेना कितना घातक है, क्या रॉक सॉल्ट हो सकता है साधारण नमक का विकल्प, क्योंकि नमक से जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियां हैं लेकिन शायद ही किसी के पास सही जानकारी हो। बहुत ही खास मेहमानों के पैनल है हमारे साथ, उनसे करेंगे चर्चा और समझेंगे कि नमक रिस्क का जो है वो कितना बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, एक रिपोर्ट के बाद। खाने में ऊपर से नमक ऐसा लगता है जैसे मानो नमक ना हुआ अमृत हो गया। दरअसल ऊपर से नमक लेने को लोग स्वाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तय मात्रा से अधिक नमक लेना हमारी सेहत पर भारी पड़ सकता है, हमें तमाम तरह की बीमारियों में जकड़ सकता है। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NNCD की सर्वे के मुताबिक हम भारतीय रोजाना 8 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जबकि WHO के मानकों के मुताबिक हमें दिन भर में 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए। दरअसल नमक की बढ़ी हुई मात्रा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती है, यानी स्वाद अनुसार नहीं बल्कि सेहत अनुसार नमक लेना हमारी लाइफ को हेल्दी बना सकती है। इस सर्वे में करीब 3000 वयस्कों को शामिल किया गया, उनकी यूरिन की जांच से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके मुताबिक महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा नमक खाते हैं। महिलाएं जहां दिन भर में औसतन 8 ग्राम से थोड़ा कम लेती हैं, तो पुरुषों में यह आंकड़ा 9 ग्राम के करीब बैठता है। वहीं शहरी लोग जहां पैकेज्ड फूड्स और स्नैक्स में खासकर नमकीन और चिप्स के जरिए नमक का अधिक सेवन करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भोजन के साथ ऊपर से नमक लेने का चलन ज्यादा देखा गया है। दरअसल हमारे खान पान में नमक का होना बेहद जरूरी है, इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। सोडियम बॉडी में पानी का सही लेवल बनाने से लेकर सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसकी वजह से हमारा वेस्कुलर और नर्वस सिस्टम ठीक तरह से काम करता है। हमें दिन भर में करीब 2.3 ग्राम ही सोडियम चाहिए होता है, जो कि हमें 5 ग्राम नमक में मिल जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक को ट्रिगर करने का काम करता है। बॉडी में सोडियम की मात्रा के बढ़ जाने से टाइप 2 डायबिटीज के साथ किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि WHO ने इसी साल मार्च में जारी अपनी एक रिपोर्ट में आगाह किया था कि अगर लोगों ने अधिक नमक लेना कम नहीं किया, तो 2030 तक करीब 70 लाख लोगों की मौत की वजह नमक की अधिकता होगी। आमतौर पर लो सोडियम नमक या रॉक सॉल्ट साधारण नमक का विकल्प हो सकता है। दरअसल रॉक सॉल्ट में साधारण नमक की तुलना में ज्यादा मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों, मांसपेशियों, पाचन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी कई समस्याओं को दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसे नमक का 100% विकल्प नहीं माना जा सकता। सबक यही है कि नमक कम लें। नमक के सेवन को लेकर भारतीयों के लिए ये एक वेकअप कॉल है। WHO पहले ही इसे लेकर आगाह कर चुका है। ऐसे में सेहतमंद रहना है तो अपने खान पान में तय मात्रा से अधिक नमक लेने से बचना होगा, यानी नमक कम छिड़क। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।